आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं बोकारो से दिनेश कुमार पांडे। आप सभी जानते हैं कि जो कल से आज रविवार है और कल से सावन की पहली सोमवारी है। पहली सोमवारी को लेकर के सुरक्षा के पूरे बोकारो में चाक चौबंद व्यवस्था कर दिए गए हैं और तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं और मंदिरों में खासतौर पर कल जलाभिषेक को लेकर के खासे तैयारी तो इस बार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम मंदिरों में मंदिर के पुजारी और उसके ट्रस्ट या फिर उसके कमेटी के द्वारा व्यापक तैयारी किए गए हैं ताकि पूजा अर्चना विधि पूर्वक किया जा सके। और अब छिटफुट यानी छोटी छोटी सेक्टरों के मैं अगर मंदिरों की बात करूं तो सेक्टरों के मंदिरों में जो रोजाना जैसे पूजे होते हैं उस तरह के जलाभिषेक का प्रक्रिया जारी रहेगा, लेकिन जो तमाम बड़े बड़े जो मंदिर हैं आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में भी, ये बोकारो का चर्चित मंदिर है और तमाम जो इस तरह के जो बड़े बड़े जो मंदिर हैं जैसे राम मंदिर हुआ, जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ मंदिर का हुआ, सेक्टर 12 के जो महादेव मंदिर हुआ, चेचका धाम हुआ, इन तमाम मंदिरों पर कमेटी के द्वारा जो है ये जो व्यापक बंदोबस्त भी किए गए हैं। पूजा अर्चना की सभी तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है। जो विद्वान पंडित जो हैं पूजा अर्चना के लिए शास्त्रार्थ के लिए कई तरह के जो विधियाँ जो है उसे सम्पन्न कराने के लिए मंदिर पर पहुँच चुके हैं और तमाम जो मंदिरों को जो जैसे देख रेख करना और तमाम मंदिरों की जो विशेष पूजा अर्चना के अलावे साफ सफाई की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो एकदम युद्ध स्तर पर जारी है। और ऐसे लिहाजा यह कहा जा सकता है कि इस बार जो है कोरोना के मार को देखते हुए और कोरोना के कहर को देखते हुए तमाम मंदिरों को बंद रखा गया है और बंद रखे गए हैं तमाम मंदिर, और इन मंदिरों को बंद रख करके ही जो विधि सम्मत जो पूजा अर्चना है जो कराई जाएंगी। लेकिन तैयारियां, मैं अगर तैयारियों की बात करूं तो सभी तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है और जिला प्रशासन जो है इसके लिए विशेष रणनीति भी बनाई है और खासतौर पर पुलिस पदाधिकारी जो है वो तमाम अधिकारी जो हैं तमाम सरपट सड़कों पर गश्त भी करेंगे। हमारे साथ इस मंदिर के भगवान जगन्नाथ मंदिर के पुजारी भी हमारे साथ हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं ये खुद इन्हीं के से जान लेते हैं। जी पंडित जी, आप बताएं कि जिस तरीके से इस बार कोरोना जो है कोरोना को देखते हुए तो मंदिरों में सार्वजनिक दर्शन पर पाबंदी ही रहेंगी, लेकिन इसके बावजूद क्या तैयारियाँ हैं आपकी? तैयारी जब खुलने का होगा तो सैनिटाइजेशन होगा, खुलने का समय में पहले अब जाकर खुले, तैयारी अब कुछ नहीं हुआ है। जब गवर्नमेंट का ऑर्डर आने से पहले हम लोग मंदिर को सैनिटाइजेशन करेंगे, बाद में गाइडलाइन गवर्नमेंट का गाइडलाइन का बाद में चलेगा। तो गाइडलाइन तो चलेगा, लेकिन जो जैसे कल पूजा अर्चना जो करनी है, जो आप लोग जो विधि समझ से जो पूजा अर्चना जो अपने स्तर से जो शुरू करेंगे उसके लिए क्या इंतजाम है? पूजा अर्चना जैसे चल रहा था मंदिर में उसी तरह से चल रहा है, कुछ अलग कुछ नहीं हो रहा है, किंतु बाहर का आदमी को प्रवेश निषेध किया गया। जो भक्त लोग आते थे मंदिर में दर्शन करने के लिए उनके लिए पाबंदी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुशांत कुमार। देखिए, ये सुशांत कुमार सतपति जी हैं, ये मंदिर के पुजारी हैं और इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि कोरोना के गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है, सरकार के नियमों की पालन की जा रही है और सरकार जब गाइडलाइंस नया गाइडलाइंस जब जारी करेगा तो मंदिरों का सैनिटाइजर होगा, सैनिटाइजेशन करवाने के बाद ही मंदिर को खोला जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई संक्रमण का खतरा न हो। लाइव लगातार बोकारो से दिनेश कुमार पांडे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।